वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज मैं चला रहा हूँ एक्सपल्स 4V। तो बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम एक्सपल्स 4V चला रहा हूँ। ये हमारे शिखर भाई की है और देखते हैं इसका थोड़ा सा राइड रिव्यू करते हैं कैसी है फील। बाइक पे यार लिटरली बहुत ही ऑसम फील आ रहा है, क्योंकि वैसे मैं एक्सट्रीम 200 चलाता हूँ, इंजन सेम है, बट ये 4V में है तो थोड़ा सा स्मूथ ये बाइक लग रही है, काफ़ी स्मूथ लग रही है ये बाइक। और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बाइक में हैं ही, आप जानते हैं। 4V यू कैन फील ये जैसे कि आप ना किसी घोड़े पे बैठे हुए हो वाला फील आता है। एक्सट्रीमली मज़ेदार सिटिंग पोजीशन है इसकी, बहुत ही कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ, चला रहा हूँ। और मेरी हाइट 5.5 है तो थोड़ा सा पैर पब ज़मीन पे पहुँचाने में दिक्कत होती है भाई। बढ़िया है कि अब अगर इसे चलाओगे तो आप यूजुअली इसको कंट्रोल कर लोगे, बाइक बहुत अच्छी है। और ये 4V में है तो इसमें थोड़ी सी पावर इंक्रीज़ कर दी है, वो भी आपको जब चलाएंगे तो महसूस होता है। पुरानी वाली में 18 BHP आता था, इसमें 19 BHP है। और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो लिटरली ऑसम है इस बाइक की, आप बहुत ही ऑसम है। वाटर स्मूथ बाइक एकदम। थोड़ा सा चौड़े से रोड पे चलते हैं, फिर इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं। भाई साहब दिल आ गया बाइक पर, सही बता रहा हूँ, मुझे एक्सट्रीम से ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन इस रोड पे, थोड़ा सा इसको देखते हैं टेस्ट करके। यहाँ बेसिकली इसका पता चलेगा, हैंडलिंग कॉर्नरिंग बेहतरीन। ब्रेकिंग इज ऑसम, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, बस मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, हैंडल थोड़ा बड़ा है और मुझे काफ़ी हाइट फील हो रही है इस पर बैठे हुए। और मैं इसको कहीं रोक के आपको एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ, छाया देखते हैं कहीं पे, छाया में रुकते हैं यार। तो ये है गाइस बाइक एक्सपल्स 200 4V। बाइक लिटरली बहुत ऑसम है। और टायर आप देख सकते हो फ्रंट में, आपको इसमें 21 इंचेस का मिल जाता है टायर, जो के है 90x90 ट्यूब टायर। और रियर सेक्शन है 120x80 सीएट का है, ये ड्यूअल पर्पज़ टायर है। बेसिकली बाइक ऑफ रोडिंग पर्पज़ की है तो यहाँ पे आपको टायर भी ड्यूअल पर्पज़ ही दिए जाते हैं, स्पोक्स दिए जाते हैं, ये भी अच्छे रहते हैं, इनकी कैपेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है, ड्यूरेबल ज़्यादा रहते हैं। निशन के कैलिपर्स हैं जो अपनी एक्सट्रीम में भी हैं, भाई ने थोड़े से मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, ऑक्सिलरी लाइट लगा रखी है अपने, और ये बाग बस्टर्स के नकल गार्ड लगाए हुए हैं, प्रो टैपर का एक टैप लगाता है। और इसका हैंडल जो है मॉडिफाइड, आई थिंक ये हैंडल इसका नहीं है ना, ये हैंडल इसका मॉडिफाइड है, इतना बड़ा हैंडल नहीं आता यार, जो अपने में उस आई थिंक एक्सट्रीम में जो है उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। एक्सट्रीम का भी इतना कर आएगा मेरा, हाँ मेरा जो है ना इतना। हाँ तो, और ये 4V में है तो इसमें पावर थोड़ी सी आपकी इंक्रीज कर दी गई थी, जो कि 1 BHP पुरानी में 18 मिलता था, आपको इसमें 19
BHP का पावर मिलता है, और आपका टॉर्क, आप उसको टॉर्क जो आपको इसमें मिलता है वो मिलता है 17.3 Nm। फोर वॉल्व है, ऑयल कूल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये अभी न्यू वर्जन है। तो इसमें क्या है ना, इसमें नए वाले में ये ऑयल कूलर थोड़ा बड़ा आ गया था, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। इससे थोड़ा सा बाइक हीटिंग का इशू सॉल्व हो जाता है हमारा। बाकी ऑल ओवर बाइक बहुत बेहतरीन है, और कलर मुझे बेसिकली कलर इसकी मुझे इसकी यही वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। एक इसमें ये भाई ने होल्डर भी लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, और व्हाटएवर चलाने में बटर स्मूथ बाइक है। मैंने अभी चला के देखी पर्सनली, और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपल्स चलाई है, वो भी 4E। मैंने 2E को चलाया ही नहीं क्योंकि मेरे पैर नहीं पहुँचते थे, मेरे लिए काफ़ी छोटी हो जाती है। तो मेरी जो हाइट है 5.5 है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे लिए ये क्या इशू रहता है। इसको बस ऐसे उठाना, उसके बाद ये पैर इस पर टिकाना, तो आप देख सकते हो सिर्फ मेरे जो टोज हैं वही टच हो पा रहे हैं इसमें। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप 5.5 हो तो ले सकते हो, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप डेली यूजेज के लिए लोगे तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। मतलब यूजली हो जाओगे तो आप इसे चला सकते हो बहुत ईजीली। बाइक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, और ऑफ रोड परपज डेली कमिटिंग आप दोनों इससे कर सकते हैं। क्रैश गार्ड भी इसमें लगाया हुआ है। बाकी गाइज, आपको इसको इसमें टेल लैंप जो मिलती है, LED मिल जाती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लाइट है। इंडिकेटर नॉर्मल ही है, बल्ब इंडिकेटर है इसका। एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा ऊपर से फिट किया हुआ है, जो कि LED भी इस बाइक में मोस्टली होता है। फ्रंट में भी आपको LED लाइट मिलती है, बस अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है तो ये इंडिकेटर, अगर इस वर्जन में हीरो इनको LED कर देता तो इट्स बेटर, काफ़ी अच्छा लगता। 5-speed मैटेड गियर बॉक्स है, और राइडिंग बटर स्मूथ है इसकी। दिक्कत वही हमारे लिए भाई, छोटे हैं थोड़े से, क्या कर सकते हैं। बटन इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा दिया है, सिंगल है, यहीं आप किल कर सकते हैं, यहीं से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इस एक चीज़ और देखते हो, न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल भी ईजी है या नहीं है। मेरी बाइक का तो फंस जाता है, इसका ईजी है यार, अच्छा है गियर बॉक्स, अच्छा है इसका, मेरी हमारी वाली हो नहीं पाती है। गाय बाइक चलाने में बहुत ही स्मूथ है, जो 2B वर्जन है उसकी अपेक्षा, और राइड रियर व्यू मिरर्स भी काफ़ी ठीक हैं। भाई ने एक छोटा सा ये ब्लाइंड स्पॉट लगाया हुआ है, इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूजफुल भी लग रहा है इसमें, आप एक उससे देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हो गए तो चैनल को लाइक करो, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो। हमने बोल दिया है उल्टा, उधर वाला रास्ता है ना, रास्ता भटक गए क्या हम, वो है यही है, हम रास्ता भटके जा रहे हैं यार। भाई साहब हम 4B बैठ के उड़े जा रहे हैं, रास्ता भटके जा रहे हैं। हाँ यही रास्ता है, याद आ गया। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर शिखर भाई, अपनी बाइक मुझे देने के लिए, रिव्यू करने के लिए। देखो तो यही एक बाइकर का बाइकर पे ट्रस्ट होता है। भाई साहब इसमें जो रैप रैप करने में इस बाइक को जो मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसका ये मतलब ये पता ही नहीं चल रहा है, प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है हाथ को, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है हाथ को। ये था क्या, मुझे लग रहा है यही था, है ना यही था। चलो घुमाते हैं टर्निंग रेडियस बाइक का, घुमाना थोड़ा सा इशू छोटे राइडर के लिए, खींचो भाई तर के। खींचो खींचो, देखो भैया चलो जी सवारी बैठो। देखो भैया छोटे राइडर के लिए तो है इशू, सिंपल सी बात है। हाँ 5.5 से अगर आपकी हाइट कम है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा ये बाइक आपको,
मोड़ने में थोड़ा सा इशू तो है, मोड़ना तो इशू नहीं है बट आपको जैसे आगे पीछे थोड़ा करना है तो उसमें आपको थोड़ा सा इशू आएगा, वो आपको या तो मैनेज करना पड़ेगा। वैसे यूज टू हो सकते हो आप इसे चलाते चलाते, क्योंकि वैसे बैलेंसिंग एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा ज़्यादा फील नहीं हुआ कुछ के इशू है बाइक में, या हाइट बहुत ज़्यादा है। मेरी हाइट खुद बहुत कम है, कोई ज़्यादा हाइट नहीं है, तो एक बार आप इस पर बैठ गए और इसे चलाने लगे ना तो बहुत कसम से मज़ा आने वाला है। तो हाँ, आप इसको परचेज कर सकते हो, बाइक बहुत अच्छी है और इसकी टक्कर में इस समय कोई बाइक और है नहीं। बजट फ्रेंडली है, मनी वैल्यू फॉर मनी बाइक है और एडवेंचर फ्रेंडली है ही है। और ये यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना, बड़े अच्छे नज़ारे हैं। अरे हम बहुत अच्छी जगह पे आज घूमने आ गए हैं और यहाँ पे एक्सपल चलाने को मिल गई तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। अब पहुँचते हैं वापस कैफे पे। अरे बाप रे, यहाँ तो और गाड़ियाँ लग गई, कहाँ से घुसाएंगे से अंदर हम। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार फॉर मोर वीडियोस। यहाँ पे खाना शुरू हो गया है, हम खाने में पीछे रह गए हैं। अरे क्या और हमें लगा हुआ है, जूम करके भैया, थोड़ा जूम करके। ये देखो यहाँ पार्टी ओवर हो गई, कम से कम दो दो पराठे ऑर्डर करना, एक लाया क्यों? पराठे अच्छे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो भाई, हमारा सामान सब यहाँ रख लिया। शेखर भाई कहाँ चला गया? ये आती गाड़ी में चेक करना।